चलिए प्रश्न नंबर चार बताते हैं। इसके बराबर हमको इतना सिद्ध करना है। देखिए आपके बुक में पीछे दिया है सूत्र 2 tan inverse x = tan inverse 2x / 1 - x² ये आपको पीछे साइड दिया है। देखिए इसमें पहले हम 2 tan inverse x लिखा है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम tan inverse x में चेंज करें, किसमें ओनली tan inverse x में। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, tan inverse 2 × x, x की वैल्यू क्या है 1/2, फिर बटे 1 - फिर x की वैल्यू कितनी 1/2 का बार। अभी इसको नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करके बनाएंगे, इसको tan inverse x के रूप में बस बदलेंगे। ये हो जाएगा tan inverse 2 से 2 कैंसिल कर दो तो हम बचेगा 1/1 / 1 होता है और 2 * 2 = 4, ये हो जाएगा tan inverse 1/4 - 1/4, ये हो जाएगा tan inverse 1/3, इसमें से 1 घटेगा 3 बचेगा और 1/4, इसको हम लिख सकते हैं tan inverse, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और मान लीजिए इसके भी 1/2 है तो ये इसमें से हो जाएगा मध्य कहानी ऊपर से और मध्य का नीचे से, यहाँ पे हो गया 3/4 लिखा, ये ऊपर जाएगा 4, नीचे आएगा 3/4, प्राप्त हुआ tan inverse x, यानी 2 tan inverse कौन tan inverse x में चलते हैं, क्या मिला tan inverse 4/3। तो हमारा देखिए नया प्रश्न बन गया, क्या बन गया tan inverse 4/3 प्लस tan inverse, ये आपका 1/7। देखिए यहाँ से हमारा नया प्रश्न बन गया, अब इसमें पुराना सूत्र लगाएंगे जो इसके पिछले वाले सवाल में लगाए थे, तो क्या होता है उसका सूत्र tan inverse x प्लस tan inverse y इक्वल होता है tan inverse x प्लस y बटे 1 - xy, ये होता है फार्मूला इसके बराबर। तो ये देखिए tan inverse x है तो मान ये भी tan inverse x, x स्थान की 4/3 है, प्लस है tan inverse y, तो tan inverse y के स्थान पे 1/7 है, इसको हम इस फार्मूले में रख लेते हैं तो ये हो जाएगा tan inverse, ये हो गया x, x की वैल्यू 4/3 प्लस y, y वैल्यू 1/7, पूरे 1/1 लिखे, 1 लिखे माइनस x, x की वैल्यू ये दिया है 4/3 इंटू y, y वैल्यू 1/7। अब इसको सॉल्व कर लेते, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिए तो ये बचेगा tan इनवर्स, इसका तिरेक गुणा कर दीजिए, 4 × 7 = 28 प्लस 3 × 1 = 3/3 पूरे 1/2। अब इसका भी कर लीजिए, 4 × 1 = 4 इंटू में जब होता है तो हर का हर अंश का अंश, तो 1 - लिख लिया, 4 × 1 = 4/3/21। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 28/3 यानी tan inverse 28/3 = 28/3 = 31 हो गया 1/21। अब इधर 21 × 1 = 21 फिर माइनस 4 फिर ये नीचे चला आएगी, इसमें गुणा करके इसको घटा के फिर ये नीचे भाग आएगी, ये आ गया, ये हो जाएगा tan inverse 31/21 और 21 में 24 घटा दिया 17 + 4 = 21 फिर 1/21 है, 21 से 21 कैंसिल कर दिया, बचा गया tan inverse 31/17, यही हमको सिद्ध करना था। यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इसके बाद।